Several B-Town folks came together yesterday to spread the message of peace and communal harmony along with the Mumbai police. In a democratic country, the judiciary has to be respected. Whatever the verdict is, it has to be respected. There should be peace. वर्डिक्ट कल हो या परसों हो या जब भी हो जो भी हो, पहली बात तो क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हम अपने लॉ को फॉलो करते हैं तो उसे फॉलो करना चाहिए. अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा जो भी वर्डिक्ट होगा उससे, तो अपील करने के जो रास्ते हैं, जो पीसफुल रास्ते हैं, वो फॉलो करें. जो यूनिटी हमेशा हम लोगों ने बनाए रखी है, हम लोग को बनानी चाहिए. दोनों कम्युनिटी को मेरी अपील है और फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आप लोग के साथ रहेगा. जय हिंद. जो भी अजय सर, अनिल सर सबने कहा है, मैं सबसे सहमत हूँ. यही प्रार्थना रखता हूँ कि जब वर्डिक्ट आए, कोई भी इसे अगर ना खुश हो तो जज्बात में आके कुछ गलत ना करे. हम हिंदू हो या मुस्लिम, यू नो, हमारे दिवाली में अली है, हमारे रमजान में राम है. यही सबसे बड़ी बात है कि हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करें, पीस फॉलो करें, एंड दैट्स ऑल वी सीक. जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो हमारा देश है, दैट्स बिगर देन एनीथिंग, एंड लेट्स नॉट ट्राई एंड क्रिएट एनी डिसरप्ट इन दिस कंट्री. बहुत सारे तरीके होते हैं, पीसफुल तरीके होते हैं अपील करने के, उनको फॉलो किया जाए. याद रखा जाए कि हम भारत में रहते हैं जहाँ पे हर कौम एक साथ रहती है, और वो बहुत जरूरी है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई होप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉलोस. सभी ने जो कहा है, बिल्कुल हम सभी उसी से सहमत हैं. सब चाहते हैं कि इस देश में मतलब शांति रहे, किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, कोई वायलेंस ना हो. जो इस देश का आम इंसान है, मतलब वो काम पे जाना चाहता है, अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, तो जहां तक हो सके हमें ये इंश्योर करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि उनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आए. और ताकि जो भी हो, जैसे सब कह रहे हैं कि पीसफुल तरीके होते हैं टू प्रोटेस्ट, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट. और उसके अलावा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यहाँ जो मीडिया के लोग हैं उनकी भी है कि जब भी कोई न्यूज़ अगर रिपोर्ट हो तो ज़्यादा उसे सेंसेशनलाइज ना करें, सही तरीके से रिपोर्ट करें, ताकि जो अगर कोई रूमर्स हो, दे शुड नॉट गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू ट्राई एंड मेंटेन अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट. और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, हम सबका सवाल है. ऑफ कोर्स वी ऑल हियर एंड वी ऑल विश दैट जब भी ए वर्डिक्ट हो तो दैट देयर विल ओनली बी पीस इन दिस कंट्री. आई जस्ट लाइक टू से लेट्स रियली कीप द तिरंगा फ्लाइंग हाई. इंडिया हैज कम टू अ ग्रेट स्टेज इन लाइफ वेयर वी आर सुपर इकोनॉमिक पावर. वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट harnesses our reputation nationally or internationally. I think all of y'all can really, really help us in achieving this goal. Thank you. The event held at Mehboob Studios was in anticipation of the Ayodhya verdict, but even after its postponement, it was decided to go ahead with the function. Among those who attended were Ajay Devgan, Sajid Nadiadwala, Priyanka Chopra, Farhan Akhtar, Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, and Madhur Bhandarkar.